हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है, गुड मॉर्निंग आप सभी का आपके अपने इस चैनल इनमो गाइडेंस में। चलिए, आज का जो वीडियो है ये आपका BSOG 171 का है और इसमें हम ब्लॉक वन लेंगे, ठीक है। और वन ब्लॉक में थ्री यूनिट आपकी दी हुई हैं। पहली यूनिट है सभ्यता और संस्कृत, सेकंड यूनिट है भारत एक उपनिवेश के रूप में, और थर्ड यूनिट है आपकी राष्ट्र राज्य और समाज। तो इस ब्लॉक वन को हम एक ही वीडियो में लेंगे और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही लेंगे। जो यूनिट हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसमें कुछ कंटेंट इम्पोर्टेंट है, उस यूनिट को हम बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है पता है, ऑलवेज की तरह वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है क्या, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस साथ में ना जो बेल आइकन होता है ना उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसी वीडियो डालूंगी ना तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। यदि आपको BSOC 134, 133 और BHIC 134 यानी BHIC 134, BSOC 133-134 की PDF चाहिए विद आंसर, क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है, तो आपको 49 रुपीज BSOC 134 और 133 दोनों PDF 49 में सिर्फ मिलेगी, लेकिन BHIC 134 जो है सिर्फ सिंगल PDF आपको ये मिलेगी 49 रुपीज में। तो उसके लिए आपको पेटीएम से 49 रुपीज पे करना होगा। नंबर हमारा वही है जो ऑनलाइन में व्हाट्सएप का चलता है, जिससे आप ग्रुप में ऐड होते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के, तो ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ओके राइट। चलिए अब यहाँ पर ले लेते हैं यूनिट वन सभ्यता और संस्कृत को, ठीक है, तो देखते हुए चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट होता है उसे हम लेते हुए चलते हैं। तो भारतीय सभ्यता को पढ़ने के दृष्टिकोण क्या है, थोड़ा सा चलते चलते एक नजर इसमें स्टार्टिंग इसी से कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय सभ्यता को पढ़ने के दृष्टिकोण की, आप भारतीय सभ्यता को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, किस लिए पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना, राइट। तो देखिए, सभ्यता लेटिन शब्द सिविस से निकला है, ठीक है, और जिसका मतलब है नागरिक या शहरवासी। तो यहाँ पर सभ्यता का मतलब क्या हुआ, नागरिक और शहरवासी से है, और यहाँ पर शब्द का मतलब कुछ कृषि कार्य, व्यापार, कुछ नियोजित निवास स्थान, अनेक संस्कृत कला, धर्म और कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना माना गया है। तो सभ्यता जो है वो लेटिन शब्द सिविस से निकला है और सभ्यता का मतलब नागरिक या शहरवासी होता है। हाँ, इसका जटिलतम रूप यानी कि सभ्यता के वर्णन अगर इसका आप अर्थ लेने जाएंगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम जाएगी, डिफिनेशन आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे सभ्यता का, लेकिन जो एक शब्द एक है सभ्यता, उसका मतलब होता है कि जो लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं, व्याप्त हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, कुछ जो अपने स्पेशल जगह पे शुरू से लेकर के निवास स्थान जिनका है वहां पे रह रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या उनकी संस्कृति या उनका उनकी कला और धर्म, ठीक है, कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसी को सभ्यता माना गया है, ठीक है, ओके। तो सभ्यता मानव समूहीकरण समाज के सांस्कृतिक, भौतिक और अभौतिक लक्षणों और निश्चित राजनीति की जटिलता है। तो सभ्यता जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानव समूहीकरण समाज, क्योंकि मानव समूह समाज में रहता है और समूह के साथ में रहता है, समाज का मतलब ही होता है समूह के साथ में रहना, ठीक है ना। तो मानव जब समाज में समूह के साथ रहता है तो उसकी अपनी सांस्कृतिक, भौतिक और उसके अपने विचार और लक्षण होते हैं, और यही विचार और लक्षण, सांस्कृतिक, भौतिक जो चीजें होती है, इनकी एक निश्चित राजनीति होती है और उसी की जो जटिलता कठिनाई होती है वही समाज है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या पता चला था कि जिसके समाज का हम लोगों को शिल्प कृतियों स्मारकों का पता चला, ठीक है, वह सभ्यता मानी जाती है, राइट। ये भारत की एक प्राचीनतम तथा प्रचलित संस्कृति मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, और क्योंकि इसकी उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता में देखी जा सकती है तो ये सभ्यता कहलाती है। विशेष संस्कृति, विशेष धर्म, कला, इन चीजों से जाने जाने वाली चीज, उनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरह से वो चलाते थे अपने उस समाज को, उस कस्बे को, उस शहर को, नगर को, किस तरह से राजनीतिक संरचना थी, ये सभी सभ्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ओके, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए,
अब आप भारतीय सभ्यता को किस तरह से समझेंगे, ठीक है ना? तो इसके चार व्यापक दृष्टिकोण दिए गए हैं। अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है, देखिए पहला क्वेश्चन इससे जो बनेगा वो ये समझ हो सकता है कि भारतीय सभ्यता से आप क्या समझते हैं, इसको समझने के चार व्यापक दृष्टिकोण या इसको समझने के दृष्टिकोण बताइए, दृष्टिकोण दीजिए। क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होता है, भारतीय सभ्यता या सभ्यता से आप क्या समझते हैं और इसको समझने के व्यापक दृष्टिकोण या इसको समझने के दृष्टिकोण क्या क्या है बताइए, ठीक है ना, विस्तार में वर्णन कीजिए। तो चलिए भारतीय सभ्यता को समझने के चार व्यापक यहाँ पे दृष्टिकोण दिए हुए हैं। उनमें पहला जो दृष्टिकोण है वो है सूचीपत्र दृष्टिकोण, ठीक है। दूसरा है सांस्कृतिक मूल तत्व दृष्टिकोण। तीसरा है सांस्कृतिक संचार का दृष्टिकोण। और चौथा है भारत को एक प्रकार के रूप में देखने का दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि अगले उपखंड में इसका विस्तृत विवरण देंगे, यानी आगे चल के इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलिए, तो इसको हम चल के आगे अच्छे से जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको हम लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके जैसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सूचीपत्र दृष्टिकोण। तो सूचीपत्र दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, देखिए सूचीपत्र दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी उनके आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक भौगोलिक धार्मिक विभिन्नताएं थी, ठीक है, राइट, उनकी एक सूची बनाना, विभिन्नता और अंतर जिसका भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, जो वो सांख्यिकी की औसत या बहुलक माप से मापी जाती थी और इनकी एक सूची बनाई जाती थी, ठीक है। ओके, और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं सांस्कृतिक सार का अध्ययन क्या होता है, तो यहाँ पे आवश्यक जो उनकी रीति और प्रक्रिया होती थी उनके खोज पर बल देना कि उनकी रीति और प्रक्रिया क्या होती थी, ठीक है, क्योंकि भारत शुरू से ही सांस्कृतिक सार का एक सभ्यता के बीच में देखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर सांस्कृतिक मूल तत्व भारत को इसके सच्चे अर्थ में बताते हैं और जो पुराने टाइम से लेकर के आज तक देखने को आ रहा है और इतने वर्षों के ऐतिहासिक सफर के बाद भी जो इनकी अनिवार्यताएं हैं, जो इनके लक्षण है, वो आज भी हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, आज भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो जाता है सांस्कृतिक सार का अध्ययन। और जो अनेकता की बात भारत में चलती है, क्योंकि भारत को सांख्यिकी रूप में नहीं माप सकते, मात्रात्मक रूप में, सांख्यिकी का मतलब मात्रात्मक रूप होता है, इसको गुणात्मक रूप में हम माप सकते हैं लेकिन सांख्यिकी के रूप में एक मात्रात्मक रूप में नहीं मान सकते हैं, ठीक है, माप नहीं सकते हैं। तो अनेकता में एकता, सहिष्णुता, भाईचारा, धार्मिक आदि सभी रूप यहाँ पे भारत में समझे जाते हैं और देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक संचार का अध्ययन, तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमने एक नजर इसको देख लिया था, आगे होगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, भारतीय संस्कृत का एक किस्म के रूप में वर्णन करना, नहीं ये नहीं, हाँ किस्म का अगर रूप आता है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत का जो किस्म है, भारतीय समुदाय को एक पारंपरिक समुदाय के रूप में देखने पर बल दिया गया, यानी पारंपरिक समुदाय जो भारतीय संस्कृत है वो भारतीय समुदाय वो पारंपरिक समुदाय के रूप में देखने को बल दिया गया, पारंपरिक समुदाय यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जैसे जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लोगों को फील होने लगी कि आधुनिकीकरण आ रहा है, लोग आधुनिक हो रहे हैं, तो ये आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है सांस्कृतिक सामाजिक और ऐतिहासिक सिद्धांत का वर्णन करती है। मतलब इसका लक्ष्य यह है कि उन अलग मूल्यों और पहलुओं को नहीं पढ़ा जाए जो भारत की संरचना के लिए विशेष है, ठीक है ना, लेकिन इसका एक प्रकार यानी किस्म इस आधार पर बनाए रखने कि इनकी दूसरे समाज और संस्कृति से क्या समानता और भिन्नता और तब भिन्नता का परीक्षण करें। मतलब ये आधुनिकीकरण का मतलब, देखिए आधुनिकीकरण जो होता है वो सांस्कृतिक सामाजिक और ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत देखा गया और इसका जो लक्ष्य रखा गया वो ये रखा गया कि जो भारत के मूल और पहलू हैं उनको नहीं पढ़ा जाए, मूल और पहलू को तो नहीं पढ़ा जाए लेकिन भारत की संरचना के लिए जो विशेष है हमारे मूल और पहलू, हमारे मूल इंपॉर्टेंट है, संस्कृत हमारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एक किस्म है और उस किस्म उस प्रकार के आधार पर जो दूसरे समाज के संस्कृत और समानताएं हैं और भिन्नता है उनका अपने समाज की संस्कृत और समानता से क्या भिन्नता है इसका परीक्षण जरूर किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा आधुनिकीकरण है इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है आधुनिकीकरण, सभ्यता का आधुनिकीकरण। तो भारत जैसे उदाहरण के लिए भारत को एक गांव के
कि समुदाय या कृषक समुदाय के रूप में देखा जाए तो हमें अन्य समुदायों और संस्कृति से तुलना करने का अवसर मिलेगा जो गांव के जमीन और समुदाय की समानता में उपस्थित होने का प्रदर्शन करता है, जबकि भारत को एक जाति समुदाय के रूप में देखना एक निरर्थक प्रयास होगा क्योंकि जाति का विचार घटना भारत के लिए विशेष है। तो भारत में जात तो वैसे भी भारत में विविधता के रूप में देखा जाता है, विविधता में एकता के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पे स्पेशल किसी एक जात धर्म के रूप में भारत को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, राइट, ओके। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो अभी दिया नहीं है, देखते हैं शायद क्वेश्चन पूछने का तरीका। हाँ, जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, ये देखिए, भारतीय सभ्यता को समझने के लिए लक्षणों को सूचीबद्ध करना सांस्कृतिक आवश्यकता दृष्टिकोण से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन एक आपका क्रिएट हो सकता है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, ओके। भारत के भूगोल को समझना, नहीं इसे हम लिफ्ट कर देते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है भारत का भूगोल, ओके। हाँ, अब इसमें ये थोड़ा सा, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो भारत की विविधता और क्षेत्रीय विभिन्नता है, इसको भौगोलिक भिन्नता के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। ठीक है ना, यानी भारत की विविधता, जाति धर्म संस्कृति जो पाए जाते हैं, और जो क्षेत्रीय विभिन्नता होती है, जो क्षेत्र में अंतर पाए जाते हैं, इसको भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर वर्णन किया जा सकता है। ठीक है ना, और भारत का मौलिक प्राकृतिक भूगोल है, ठीक है, अपना खुद का एक प्राकृतिक भूगोल है, खुद का लिखा हुआ एक प्राकृतिक भूगोल है जो भारत का है, उसमें ऐतिहासिक सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरूप जो हमें देखने को मिलते हैं। तो कोहन ने तीन क्षेत्रों की सूची बनाई और जिसमें भारत को मुख्य रूप से विभाजित किया, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोहन से क्वेश्चन आ सकता है, कोहन के अनुसार भारत के भूगोल को कितने रूपों में, प्राकृतिक क्षेत्रों में कितने रूपों में बांटा गया समझाइए, या कोहन के अनुसार भारत के भूगोल को किस तरह से आप समझते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसमें जो तीन सूची बनाई थी उसमें पहला है बारहमासी यानी केंद्रीय क्षेत्र, ठीक है, दूसरा मार्ग क्षेत्र, तीसरा एकांत सापेक्ष क्षेत्र है। इनका विश्लेषण नीचे है। बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र क्या है ये चलते चलते देखते हैं, ठीक है ना, ओके। यानी बारहमासी क्षेत्र, बारहमासी क्षेत्र का मतलब होता है कि उपजाऊ नदियों का घाटी समतल और डेल्टा है, यानी 12 महीने यहाँ पर आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। ठीक है, जनरली ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बारिश होती है, वेट करना पड़ता है, फिर खेती वगैरह की जाती है, या वहां का क्लाइमेट ऐसा होता है कि 12 महीने आप वहां पर खेत कोई भी एग्रीकल्चर कोई भी कृषि फसल का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है उपजाऊ नदियों के घाटी और समतल डेल्टा के क्षेत्र बारहमासी होते थे, ठीक है ना, और ऐतिहासिक रूप से ये मानव निवास स्थान, यहाँ पे मानव निवास करता था, रहता था, और यहाँ पे जब मानव रहता था तो सीधी सी बात है उच्च जनसंख्या घनत्व पाया ही जाएगा, नहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, भूम कम लोग ज्यादा, राजनीतिक क्रियाकलापों और स्थिर राजपद्धति के केंद्र रहे हैं बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र। ठीक है, केंद्रीय का मतलब ही होता है बीचों बीच में, ठीक है ना, जो मेन सर्वोच्च चुनाव थे सर्वोच्च क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे, और इन केंद्रों ने कृषि प्रणाली को स्थिर किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे खेती होती थी, कृषि होती थी, फसल उगाई जाती थी, तो कंटिन्यू यहाँ पे फसल उगाई जाती थी एक जगह रहकर, और ये सब कृषि व्यापार और हस्तशिल्प माल के केंद्र थे, तो कृषि तो होता ही होता था, उसका व्यापार भी किया जाता था, और हस्तशिल्प हाथ से भी चीजें बनाई जाती थी और उसको यहाँ पे बेचा जाता था। ठीक है, ओके ओके। तो भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों में इस तरह के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में, और जो भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र नदियों के घाटी समतल डेल्टा वाले क्षेत्र रहे, उनको बारहमासी या केंद्रीय क्षेत्र कहा जाता है, और क्योंकि ऐतिहासिक रूप से मानव यहाँ पे रहते थे इसलिए मानव निवास का क्षेत्र, जब मानव रहता था और ये उपजाऊ क्षेत्र होते थे तो उपजाऊ क्षेत्र की वजह से यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, उच्च जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती थी, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो केंद्र था, सॉरी कृषि था, कृषि मेन यहाँ पे एक आधार था लोगों का, और एक स्थायित्व दिया गया था कृषि को, यानी लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे खेती वगैरह किया करते थे, और उसके साथ में कृषि व्यापार और हस्तशिल्प माल के केंद्र भी यहाँ पर थे। ठीक है, राइट, ओके। और ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत में पेशावर के आसपास नदी के बहाव और समतल क्षेत्र में पहले केंद्रीय क्षेत्र के रूप में उद्भूत हुआ, जिसे गांधार कहा जाता है, जो अब पाकिस्तान में एक शहर है। ठीक है, राइट, ओके। सतलज, जमुना दोआब, गंगा जमुना दोआब ने उत्तर के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों को बनाया, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, है ना, कुरुक्षेत्र, पांचाल, कन्नौज, पानीपत, दिल्ली, आगरा शहर है। ठीक है, ओके, राइट, इतना हो गया। चलिए
अब जब इतने सारे हम क्षेत्र देख के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों के अलग अलग भाषाई प्रचलन और स्थलाकृति और जलवायु थी। सीधी सी बात है, कोई उत्तर का क्षेत्र है, कोई दक्षिण का है। उत्तर के ही क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर उनकी भाषाएं भी अपनी अलग थी और साथ ही साथ में जो स्थलाकृतियां यानी भौगोलिक पहाड़ पर्वत मैदान जो होते थे स्थलाकृतियों में, या था पठार वगैरह, तो ये भी और जलवायु जो क्लाइमेट होती थी इनमें भी भिन्नता देखने को मिलती थी। और अलग अलग कृषि पद्धतियों का विकास हुआ, यानी कृषि भी अलग अलग तरीकों से की जाती थी। तो दक्षिण भारत में 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र थे। दक्षिण भारत में ये छोटी छोटी चीजें है ना, मैं ऑलवेज कहती हूँ कि आप लोग रजिस्टर बना के रखिए, ठीक है ना, ओके, कॉपी बना लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं बताने जा रही हूँ दक्षिण भारत में 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, दक्षिण भारत में 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र, और इसके बाद वो केंद्रीय क्षेत्र लिख दीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए तो आप कम से कम कुछ तो लिख पाएंगे ना। तो 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र कौन थे? आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और मैसूर। ठीक है, तो आंध्रा तेलुगु बोलने वाले लोगों का क्षेत्र था, और इसकी जो संरचना थी, स्ट्रक्चर था, वो धनी कृषि डेल्टा गोदावरी कृष्णा नदी का क्षेत्र था। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि आंध्रा जो था वो सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा डेल्टा और सॉरी कृष्णा और गोदावरी जो नदी थी ये डेल्टा के क्षेत्र थे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्योंकि आंध्र प्रदेश, इसलिए यहाँ पे तेलुगु बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। और तमिलनाडु जो, तो तमिलनाडु में पांड और चोल राजा यहाँ पे रहते थे, जो अब वर्तमान में मद्रास कहलाता है, और यहाँ तमिल बोलने वाले लोग ज्यादा रहते थे। और जो डेल्टा क्षेत्र की बात करें तो नदी पेन्नार और कावेरी नदी थी, और ये घनी आबादी वाला क्षेत्र था। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले थे, और इसकी मैसूर से समानता है, जो कन्नड़ बोलने वाले कृषक लोगों का निवास स्थान है। दोनों क्षेत्र सूखा कृषि के लिए जाने जाते थे, जिसमें जौ, मक्का और चना यहाँ की प्रमुख फसलें थी। सूखा थे इसलिए जौ, मक्का, चना यहाँ उगाया जाता था, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख लीजिए, मार्ग क्षेत्र छोड़ देते हैं, सापेक्ष एकांत क्षेत्र भी छोड़ देते हैं, हिमालय इसमें आ जाएगा, ओके, पर्वतीय पठार आ जाएगा, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो सकता है, भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं, या भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है, विस्तार से समझाइए, तब आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, भारतीय सभ्यता की सामाजिक संरचना और संस्कृति इस अतीत से अत्यधिक प्रभावित है, और भारतीय सभ्यता का इतिहास बताता है, भारतीय सभ्यता का इतिहास बताता है कि धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ने इसकी सामाजिक संरचना और संस्कृति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा, जो भारतीय सभ्यता का इतिहास है वो हमें बताता है यहाँ पर कि आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है इसने सामाजिक संरचना को बनाया है, संस्कृति को बनाया है, और इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है ना। किसको? भारतीय सभ्यता का इतिहास, ठीक है, किस चीज को? धार्मिक, क्या बताता है भारतीय सभ्यता का इतिहास, और किस चीज को? धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को, ठीक है ना। तो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ने सामाजिक संरचना को और संस्कृति को बनाया है, ठीक है ना, राइट। आप देख लेते हैं, यह पौराणिक धार्मिक अतीत और प्रत्यक्ष राजनीतिक अतीत, ठीक है, जो अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक इकाइयों के बीच जो आपसी गठजोड़ और मतभेद उपनिवेश पूर्व के भारत में थे को समझाने में सहायता करता है। तो देखिए, पौराणिक धार्मिक अतीत यानी जो हमारा पुराण वगैरह है उस समय काल का जो हम देखते हैं पढ़ते हैं वो, और उसके बाद जो प्रत्यक्ष राजनीतिक अतीत था, जो ऐसा एक राजाओं का जो वंश चला, जो राजनीतिक वंश चला, जिसे हमने देखा बुक के माध्यम से, कुछ लोगों ने देखा और कुछ लोगों बुक के माध्यम से पढ़ा गया, ठीक है ना। तो ये दो ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने राजनीतिक इकाइयों को आपस में जोड़ा था, ठीक है, और जो इनके बीच में मतभेद थे वो पूर्व भारत के भारत को समझने में सहायक थे। तो पौराणिक और धार्मिक दो चीजें हैं, पौराणिक और धार्मिक अतीत राजनीतिक और पौराणिक से बंधा हुआ है, और पवित्र राजपद द्वारा अक्सर वर्तमान राजनीतिक वर्गीकृत संबंधों को उचित सिद्ध करने के लिए आह्वान किया जाता है, और प्रत्येक आक्रमण, प्रवासन और छिद्रित और स्वीकार धर्म ने भारतीय जनसंख्या में विभिन्नता को जोड़ा, और इसकी आवश्यक रूप से अनेकवादी तत्व है, जबकि इसका मतलब यह नहीं कि भारत को एकलवादी तत्व इकाई राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। तो मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो पौराणिक और धार्मिक
अतीत पुराने टाइम में, ठीक है ना, पौराणिक और धार्मिक और जो अतीत राजनीति, अतीत राजनीति का मतलब पुराने टाइम का जो राजनीति था, इस समय का नहीं, जो ये थे ये सभी चीजें पौराणिक धार्मिक से राजनीतिक और पौराणिक से बंधा हुआ था। और जो एक राजपद पहले कहलाया जाता था वो पवित्र राजपद कहलाता था, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे भारत में आक्रमण किए गए, लोग यहाँ पर आए और गए, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे, बहुत सारे धर्म आए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे धर्म को एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने बाहर से आए धर्मों को एक्सेप्ट किया, कुछ लोग यहाँ मतलब जो बाहर से धर्म आया उसको भारतीयों ने एक्सेप्ट किया, और कुछ लोग जो बाहर से आए उन्होंने भारत के धर्म को यहाँ पे वो कर लिया। तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत को एकलवादी तत्व तो नहीं कह सकते हैं और एक राष्ट्र के रूप में नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, कि राष्ट्र नहीं है, ऐसा नहीं है। तो संरचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय सभ्यता उच्च स्तर पर विभाजित और स्तरित बताई गई, ठीक है। और हिंदुत्व सैद्धांतिक धर्म नहीं बल्कि इससे अधिक जीवन जीने का एक तरीका था। तो जो हिंदुत्व को एक सैद्धांतिक धर्म बताया गया था कि हिंदुत्व एक सैद्धांतिक धर्म है, इसलिए तो सनातन धर्म बोला जाता है। तो हिंदू एक सैद्धांतिक धर्म नहीं था बल्कि जीवन जीने का एक तरीका हुआ करता था, ठीक है। और उपमहाद्वीपों ने धर्मों को फलने फूलने का अवसर दिया, ठीक है, मौका दिया। अब उनमें कौन से बौद्ध, जैन और सिख और बाहरी धर्म जैसे इस्लाम और ईसाई को स्वीकार किया। तो हमारे उपमहाद्वीप ने, हमारे भारत ने सभी धर्मों को आत्मसात कर लिया, सभी धर्मों को बढ़ने का मौका दिया। इनमें बौद्ध, जैन, सिख कह सकते हैं जो भारत के अंदर थे, और जो बाहर से आए हुए धर्म थे इस्लाम और ईसाई, ठीक है ना, राइट। और इस तरह भारत को धार्मिक अतीत ने उच्च स्तरीय भेदभाव और विभिन्न तत्वों को आत्मसात किया है, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे धार्मिक अतीत मतलब पुराने टाइम में जितने भी धर्म यहाँ देखने को मिले जाते हैं उनमें भेदभाव किया गया, सभी चीजें की गई, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने उनको आत्मसात कर लिया, ठीक है। भारत की बृहद परंपरा, एक लंबी परंपरा ने सामाजिक कर्म के सभी वर्ग, वर्ण क्रम और जाति आदि सभी की व्यापक व्यवस्थाएं की, यानी जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को ऐसा करने का अवसर दिया जैसे आने वाले धर्मों, इस्लाम, ईसाइयों को भी आदत में स्वीकार किया। तो यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप ने जितने भी यहाँ पे वर्ण, धर्म, क्रम आए थे इन सभी को उसने एक्सेप्ट किया था, सेम उसी तरह से जिस तरह से बाहर से आए हुए धर्म, इस्लाम और ईसाइयों को भी यहाँ पे जो भी उनकी अच्छी बुरी आदतें थी सबको भारत ने स्वीकार किया, ठीक है ना, ओके। लेकिन विचारधारा से स्वीकार नहीं किया था, वो आए उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ओके। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है अतीत से महत्वपूर्ण रूप ले ली अतीत के टाइम में, और जाति पद्धत का वर्णन निकलना और क्षेत्रीय जातियों की शक्ति की गतिशीलता में अहम भूमिका निभाना था। तो यहाँ पर हमने देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जाति और वर्ण व्यवस्था ज्यादा जोर पकड़ रही थी, बहुत सारे वर्ण वहां पे बन के निकले थे, इससे तो क्षेत्रीय जातियां जो थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी और आगे बढ़ रही थी। तो ये जो शक्तियां थी सामाजिक तंत्र समूहों का निर्माण कर रही थी, ठीक है, ओके। तो वर्तमान भारत में लोगों की पहचान उनकी जाति और वर्ण से होती है आज के प्रेजेंट टाइम में, और इनको कुछ काल्पनिक और पारंपरिक अतीत के संदर्भ में वैधता दी जाती है। तो धार्मिक अतीत से संबंध अलग नातेदारी समूह और विशेष पूर्वज से पहचान का भी एक निर्णायक चीज हमारे पास है जिससे हम पहचान सकते हैं। और इस तरह हिंदू मृत के संस्कार के लिए गया हरिद्वार जाते हैं जहाँ पंडित पर लोग अपने यजमान के वार्षिक इतिहास का लेखा जोखा और किताब बनाकर रखते हैं। तो ये क्या है, ये धर्म से तो संबंधित है ना, ठीक है ना। और वर्ण और जाति व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था से खुद को ऊपर रखकर जाति संगोत्र विवाह के नियम से समाधि संसार पर राज करते हैं, ठीक है, राइट। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से देख लीजिए नातेदारी व्यवस्था भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोग घरेलू और वंश के नजदीक आते हैं, शादी वगैरह ब्याह वगैरह करते हैं, उससे एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन जिसमें सदस्य विवाह संबंध या एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते हैं। पहले के टाइम में यही होता था ना कि जब लोग शादियां वगैरह कर देते थे तो लड़की वाले जो लड़के वालों के यहाँ का क्या लड़के वाले लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ का खाना वगैरह पानी तक नहीं पीते थे, कहते थे कि ये जो है हमारे लिए पाप पड़ेगा, है ना। तो पहले की पीढ़ी में उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा या विवाद हुआ होगा, ये हो सकता है नातेदारी में, ठीक है ना। नातेदारी और जात व्यवस्था का प्रभाव जो कि विस्तारित संबंधी समूह के रूप में समाज को और आगे बढ़ाता है, समाज को सीमित करता है, ठीक है। फिर आगे चल के विचारधारा बदली। 19वीं शताब्दी के अंत में हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में और जनसंख्या को एक इकाई के रूप में बताना शुरू कर दिया था। अब भारत को अब एक खंड और टुकड़ा नहीं माना जाता,
जो अनेक क्षेत्र और राज्यों में बटा हुआ था, जिसकी जनसंख्या अनेक धर्म अनेक सामाजिक पहचान बनी हुई थी। तो 1947 में अंग्रेजों से इसके स्वतंत्र होने के बाद भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, हमारा क्वेश्चन था भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना, इतना काफी है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। भारतीय सभ्यता के एकता पर विमर्श, नहीं हम ये नहीं लेंगे क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है इसमें इम्री का यूज ज्यादा किया गया है। हालांकि इम्री से क्वेश्चन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन देखती हूँ कहाँ से क्या ये निकल के आया है। देखिए, भारतीय सभ्यता के एकता पर विमर्श, तो भारतीय सभ्यता की एकीकृत पहचान वाद विवाद और तर्क वितर्क का मुद्दा है। और इमरी तीन अलग अलग विचार प्रकट किए थे इमरी ने, ठीक है ना। एक तरफ वो जिन्होंने भारतीय सभ्यता के एकीकरण को अस्वीकार कर दिया, दूसरा विचार इसके विपरीत है जो भारत के सभी धर्मों को आत्मसात करने वाला एकीकृत वस्तु के रूप में देखता है, और तीसरा दृष्टिकोण पहले के विचारों का संकलन है। यानी एक विचार जो भारतीय सभ्यता को, भारतीय सभ्यता में एकता है इसको, एक है भारतीय सभ्यता इसको अस्वीकार कर दिया, दूसरा विपरीत इसके है कि भारत के सभी जो धर्म है इनको उन्होंने आत्मसात कर लिया और एक वस्तु के रूप में देखता है, और तीसरा जो विचार है वो संकलन है, ठीक है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार भारत एक मिश्रित संस्कृति का देश है तीसरे विचार के हिसाब से, और एकता में अनेकता को प्रदर्शित करता है। तो बस यहाँ पे हम इतना देखेंगे कि यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सके। क्वेश्चन भारतीय सभ्यता के एकता पर विमर्श, यानी भारतीय सभ्यता के एकता से आप क्या समझते हैं बताइए। तो यहाँ पे आपको जो है इमरी या फिर इमरी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमरी के अनुसार भारतीय सभ्यता के एकता से क्या मतलब निकलता है, टिप्पणी लिखिए। तो इन्होंने तीन विचार दिए थे, पहला विचार दिया था जिन्होंने भारतीय सभ्यता को के एकीकरण को अस्वीकार कर दिया, दूसरा विचार दिया था जो भारत को सभी धर्मों को आत्मसात करता है, और तीसरा इन्होंने विचार दिया था कि दृष्टिकोण के अनुसार भारत एक मिश्रित संस्कृति का देश है, ठीक है। पहला दृष्टिकोण था उसमें आप बारहमासी कर लिख दिए जो ऊपर हम पढ़ के आए, ठीक है, राइट। पहले दृष्टिकोण में बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा दृष्टिकोण यही कहीं पे होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। दूसरा दृष्टिकोण जो है भारतीय सभ्यता क्षेत्रीय भूगोल की विभिन्नता की गवाह है, जो भारतीय सभ्यता है क्षेत्र में जितने भी भूगोल है विभिन्नता देखी जाती है उसकी गवाह है, और जो बदले में इसके सामाजिक सांस्कृतिक पश्चिम राजनीतिक विकास के स्तर में बदलाव का वर्णन करता है। ये दूसरा दृष्टिकोण हो गया। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तीसरा जो दृष्टिकोण है, ठीक है ना, वो क्या है। तीसरा दृष्टिकोण है भारतीय सभ्यता को अनेकता में एकता के रूप में देखना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ही देखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी दिया है तो आपसे बन सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ इमरी के विचार से दिया हुआ है। बहुत ज्यादा इमरी के विचार में दोनों ब्राह्मणों की विचारधारा और दोनों बारी घुसपैठ राष्ट्र राज्य के उद्भव को सीमित करते थे, ठीक है ना, और क्षेत्रवाद को पनपने के लिए महत्वपूर्ण माना गया था ब्राह्मणवाद को, ठीक है। इमरी के अनुसार क्षेत्रवाद भारत के एकीकरण का प्रतिबल नहीं था, और जो लेखों में आता है उनके अनुसार भारत को अनेकता में एकता जैसा दिखाने पर लागू नहीं होता, और भारत के एकीकरण का श्रेय दो बाहरी आक्रमण को और व्यापक ब्राह्मणवादी विचारधारा को दिया जा सकता है, ठीक है ना, ओके। देखिए, भारतीय सभ्यता के एकीकरण में प्रमुख शक्ति क्या है, तो ये देखिए आ गया ना, यहीं पे जस्ट हमें मिल गया प्रमुख शक्ति क्या है एकीकरण में। तो देखिए, एकीकरण में जो प्रमुख शक्ति है वो पहले थी कि भारत के एकीकरण का श्रेय दो बाहरी आक्रमणों को और व्यापक ब्राह्मणवादी विचारधारा को दिया जाता है, ठीक है, राइट। और पहला दूसरा हो गया कि ऐतिहासिक अतीत में भारत को जिसने राजनीतिक एकीकरण से रोका था उसको क्षेत्रवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो एकीकरण के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, क्वेश्चन यहीं पे है, ब्राह्मणवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। एमरी का भी जस्ट हम यहाँ पे पढ़ के ही आए हैं, ठीक है, ओके। ब्राह्मणवादी विचारधारा क्या थी, देखिए, तो जो दूसरा विचार है यहाँ पे इमरी ने भारत की एकता को ब्राह्मणवादी विचारधारा और परंपरा को श्रेय देते हैं। यानी अगर भारत की एकता कायम थी उस वक्त तो वो ब्राह्मणवादी विचारधारा की वजह से और जो परंपरा चल रही थी उसकी वजह से भारत में एकता थी। तो ये है ब्राह्मणवादी विचारधारा, जो हिंदुओं की व्यापक शक्ति थे, हिंदू की शक्ति ब्राह्मण थे और इनकी जनसंख्या का बहुमत मनाती थी, यानी ब्राह्मणों की जनसंख्या ज्यादा थी इसीलिए लोग उनकी बात को माना करते थे। ब्राह्मणों को राजाओं से भी ऊपर रखा गया था, भगवान के बराबर दर्जा दिया गया था,
वो इनको हिंदुत्व से अलग मानते हैं और जिसको वो धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ जो है बहुत सारे स्थानीय और क्षेत्रीय विभिन्नता और सामाजिक प्रचलन में इनका प्रयोग करते हैं। देखिए कोई भी काम होता है, कर्म कांड, हवन, यज्ञ, पूजा, कुछ भी होता है तो ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता था, ठीक है ना। और वहीं पे पारंपरिक पाठ में ब्राह्मणों की विचारधारा को एक रूप और मिला हुआ कथन मानते हैं और जीवन के सिद्धांत और संसार का दृष्टिकोण भी ब्राह्मणों से ही मानते हैं। तो अधिकांश भारतीय जनसंख्या के जीवन को मतलब प्रदान करते हैं और इसलिए से भारतीय एकता का महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। अब कर्म और देह धारण की विचारधारा, धर्म का अवधारणा, ब्राह्मण और रीति रिवाज संबंधित क्रम का विन्यास जो है ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं? ब्राह्मणवादी क्वेश्चन विचारधारा के महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं? तो पहला मुद्दा है कर्म, दूसरा मुद्दा है देह धारण की विचारधारा, तीसरा है धर्म का अवधारणा और चौथा ब्राह्मण और रीति रिवाज, ठीक है, राइट। ये सभी चीजें आती है ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार, ओके, ठीक है ना। और जब एकीकरण का काम जो मौर्य शासक के दौरान ब्राह्मणों के विचारों ने किया था वह संदेहास्पद है, क्यों? क्योंकि मौर्य के विघटन के बाद यह समाज के एक उच्चारित सिद्धांत के रूप में इसके धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों के साथ राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ था, ठीक है, राइट। और शासन की प्रवृत्ति और वंशवाद के लिए शासकों द्वारा ब्राह्मणों की स्वीकृति और सुरक्षा प्रदान की गई, यानी शासन को बढ़ाने के लिए, वंश को आगे चलाने के लिए, वंशवाद की प्रक्रिया जो है चलाने के लिए ब्राह्मणों की स्वीकृति जरूरी होती थी। तो यहाँ पे वंशवाद स्टार्ट हुआ कि एक के बाद एक जो है, मतलब उसी वंश का उसका भाई है, उसका बेटा, इस तरह के लोग सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है ना। चलिए तो ये देख लीजिएगा, एकीकरण का आता है तो ये आप पढ़िएगा, ठीक है। और जो ब्राह्मणवाद का आता है तो ऊपर मैंने पढ़ा दिया और थोड़ा ब्राह्मणवाद का यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन है कि ब्राह्मण भारतीय सभ्यता के एकीकरण में प्रमुख शक्ति क्या थी, बता दिया। दूसरा क्वेश्चन था कि ब्राह्मणी विचारधारा से क्या समझते हैं, बता दिया। क्षेत्रवाद भारतीय सभ्यता के एकीकरण का प्रतिबल नहीं है, चार वाक्यों में वर्णन कीजिए, जस्ट अभी ऊपर देख के आ रहे हैं और ये यूनिट जो हमारी है फिनिश्ड हो जाती है, ठीक है, राइट, ओके। तो अब हम इसमें ले लेते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, क्योंकि मेरी कोशिश है कि एक वीडियो में एक ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। ब्राह्मणवादी विचारधारा और दो बाहरी अतिक्रमण इस्लामिक और यूरोपीय भारतीय सभ्यता के एकीकरण में योगदान करने वाले केंद्रीय पहलू थे, ठीक है ना। तो दो बाहरी अतिक्रमण कौन थे? इस्लामिक और यूरोपीय भारतीय सभ्यता के। ब्राह्मणवादी विचारधारा एक समान और स्पष्ट कथन के समुच्चय का उत्कृष्ट पाठ में प्रतिनिधित्व करती है और जीवन की धारणा और विश्व संचार से संबंधित ऐतिहासिक धरोहर है और अधिकतर भारतीयों के जीवन का मतलब बताती है और इसलिए भारतीय सभ्यता के एकीकरण का महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। कर्म और पुनर्जन्म पर विचार रखती है, धर्म की अवधारणा, ब्राह्मण और रीति रिवाज संबंधित क्रम का काम भी यही करती है। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा हो गई और एमरी के विचार से ब्राह्मणवादी विचारधारा और दोनों बारी अतिक्रमण भारत के राष्ट्र राजकृत बहुत कुछ सीमित, ये तो हम आपको ऊपर पढ़ाए चुके हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिट फिनिश्ड हो गई। चलिए अब हम यहाँ पे यूनिट टू ले लेते हैं, भारत एक उपनिवेश के रूप में इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। चलिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो ही क्वेश्चन इससे बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज क्या था, उसकी दशा क्या थी, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उपनिवेशवाद के दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों का उदय हुआ, किन विभिन्न दृष्टिकोणों का उदय हुआ, विस्तार से समझाइए। तो दो ही चीजें यहाँ पर हो सकती है, उपनिवेशवाद के काल में भारतीय समाज हम देख लेते हैं, ठीक है, ओके, के काल में भारतीय समाज, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में भारतीय समाज कैसा था, विस्तार से समझाइए, ब्रिटिश औपनिवेशिक में या उपनिवेशवाद, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली जो उस वक्त की वैज्ञानिक और वाणिज्यिक क्रांतियां थी जो हमें 14वीं 18वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिली, एक बौद्धिक क्रांति थी जो 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना, ये कुछ ऐसी क्रांतियां थी जिन्होंने पुरानी सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंका था, ठीक है ना, उनके लिए एक झटका था, ठीक है, ये जितनी भी क्रांतियां हुई थी। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई वो ये हुई कि माल के बड़े पैमाने पर उत्पादन और कच्चे माल की जरूरत ने दुनिया भर के बाजारों और कॉलोनियों की तलाश में यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो लोगों को प्रोडक्ट ज्यादा, उत्पादन ज्यादा होना था, उत्पादन तभी हो पाता जब उनको कच्चा माल, रॉ मटेरियल मिलता,
तो यहाँ पे माल के बड़े पैमाने पर माल के उत्पादन के लिए, सामानों के उत्पादन के लिए उनको कच्चे माल की जरूरत थी, और इस कच्चे माल ने क्या किया था कि दुनिया भर में जितने भी बाजार, यानी बाजार और कॉलोनी का मतलब होता था कि देश में, किसी देश में स्पेशल जगह होती थी, एक क्षेत्र होता था जहां पे उन्हें कच्चा माल मिलता था, ठीक है ना। तो इनकी तलाश करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब ये लोग यूरोप से निकल करके दूसरे महाद्वीप, उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ रहे थे। तो कई समुद्री यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाने के लिए धन और क्षेत्रों की तलाश में नौकायन किया। अब इन्होंने ये सोचा कि अब कच्चे माल कहां से लिए जाएं, तो एक ऐसे जगह की इन्होंने तलाश करनी शुरू कर दी जिसको उपनिवेश बनाया जाए, यानी जहां पे जाकर के ये थोड़ा शासन कर सकते थे क्षेत्र विशेष में, और वहां का जो संसाधन था, प्राकृतिक संसाधन था, उसका दोहन कर सकते थे। तो उसको उपनिवेश, जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पे जाकर के अपना राजनीतिक अधिकार कर, व्यापारिक अधिकार कर लेता है, वो राष्ट्र उस राज्य का क्या हो जाता है, उपनिवेश हो जाता है। तो डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी सभी ये जो थे 17वीं शताब्दी में इन्होंने व्यापार के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और मुगल साम्राज्य के कमजोर होने और कई अस्थिर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के लिए अपना शासन स्थापित करना आसान बना दिया। अब उस वक्त शासन किसका था, उस वक्त शासन देखिए मुगलों का था, और मुगल जो साम्राज्य तो बहुत कमजोर था, और इसका फायदा डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने उठाया था, ठीक है ना। और वो यहाँ पर आके शासन करने लगे, आए तो व्यापार के लिए थे लेकिन शासन करने लगे। और 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 की अधीनता भंग कर दी गई, और भारत औपचारिक रूप से सीधे ब्रिटिश शासक में आ गया। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, और जो यहाँ व्यापार करने आई थी उसी के अंडर में भारत हुआ करता था, उसी के अंडर में व्यापार किया करते थे। लेकिन 1857 में जब विद्रोह किया गया, स्वतंत्रता का आंदोलन जब छिड़ा, तो क्या हुआ कि 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया, और जो भारत था, भारत देश था, वो सीधे उसका पूरा अधिकार सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश शासन को दे दिया गया। और 19वीं शताब्दी में, यानी हर एक नियुक्ति, हर एक काम अब वहां इंग्लैंड से हुआ करता था, ठीक है ना। और 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण था। तो भारत पर ब्रिटिश शासन लगभग 200 वर्षों तक चला, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों के रूप में शासन किया था। ब्रिटिश शासन और उपनिवेश भारत में, भारतीय समाज में काफी बदलाव लाए थे, ठीक है ना, और कुछ परिवर्तन हुए थे जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एक यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि ब्रिटिश शासन और उपनिवेश भारत में, भारत के भारतीय समाज में किस तरह बदलाव लाए, या ब्रिटिश शासन और उपनिवेश ने भारतीय समाज में किस तरह से परिवर्तन किया, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकता था, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन था कि समाज कैसा था, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट हो सकता है। तो हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत के धन को छीन कर भारत से लूटा, और वो अपने यहाँ इंग्लैंड में लेके चले गए, और अपने माल के लिए बाजार के रूप में उसका इस्तेमाल किया, ठीक है ना। यानी वो क्या करते थे कि यहीं से कच्चा माल लेते थे सस्ते दामों में, फिर इंग्लैंड ले जाते थे, वहां से सामान बनाते थे, सामान बनाने के बाद वो फिर भारत लेके आते थे, बड़े महंगे दामों में बेचते थे। तो सामान इस तरह से उनको प्रॉफिट ज्यादा होता था, ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था बुरी तरह से यहाँ प्रभावित हुई थी, गरीबी भी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों से पैसे ज्यादा निकलवाए जा रहे थे। जो हस्तशिल्प उद्योग था वो भी बर्बाद हो गया था, क्योंकि वो ब्रिटेन की मशीन से उत्पादित वस्तुओं से मेल नहीं खा सकते थे, ठीक है ना, राइट। तो अब जो ब्रिटेन से बनी हुई मशीनों से सामान आता था तो बहुत अच्छा दिखता था, हाथ से बनाए हुए ऐसे ही दिखते थे। तो जनरली लोग, जो पैसे वाले लोग होते थे, वो इसी सामान को खरीदते थे। तो जो यहाँ पर परिवर्तन क्या हुए, तो पहला यहाँ पे हुआ कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कई बदलावों से गुजरी, यानी औपनिवेशिक आकाओं के लिए, औपनिवेशिक आका यानी इंग्लैंड, डच, फ्रांसीसी जो थे, नकदी फसलों की पैदावार को प्रारंभ किया गया, और भूमि पर राजस्व का मानकी धारण किया गया। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कृषि अर्थव्यवस्था में कई बदलाव किए गए, नकदी फसल को स्टार्ट किया गया, नकदी फसल जिसको बेच के पैसा कमाया जाए, कपास, नील, इस तरह की नकदी फसलें उस तरह की थी ना, तो इनको स्टार्ट किया गया, और भूमि पर अब राजस्व यानी लगान और कर भी लेना शुरू कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर दूसरा, भारत ने गंभीर अकाल भी देखे जहां पर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा भी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई, ठीक है। ओके, कुछ बुरा था तो कुछ अच्छा था, हम नहीं कह सकते कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया तो वो बुरा ही बुरा था।
आज जो भी टेलीफोन और ये ट्रेन वगैरह की जो भी देन है, सभी चीजों की बहुत सारी देन है, वो सब अंग्रेजों की है। तो जब अकाल पड़ा और लाखों लोगों की जान गई, तो यहाँ पे चिकित्सा सेवा सुविधा भी शुरू की गई। अंग्रेजों द्वारा नए दंड संहिता के रूप में आधुनिक नियम कानून बनाया गया, यानी आपराधिक और सिविल प्रक्रिया में नए कोड ज्यादातर अंग्रेजी कानून पर आधारित, तो जो इंग्लैंड में चला करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कानून की नजर में समानता और जात, क्षेत्र, धर्म, लैंगिकता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। अब कानूनी अधिकार क्षेत्र के साथ कई सामाजिक सुधार भी संभव हो गए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय ने चलाया, लेकिन कानून तो अंग्रेजों ने पास किया ना कि सती प्रथा बंद किया जाए, ठीक है। विवाह योग्य आय को बढ़ाना, कम उम्र में बच्चों का शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह, महिलाओं के लिए शिक्षा महिलाओं को नहीं दी जाती थी, तो अंग्रेजों ने एक रूल बनाया, कानून बनाया। तो ये कुछ भारतीय राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, आन लोग के नेतृत्व में काम किया गया। तो ये विकास थे अंग्रेजों के टाइम के, विकास थे ब्रिटिश शासन के काल में भारतीय समाज में जो परिवर्तन आए, और परिवर्तन तभी आएगा जब कुछ अच्छे काम किए जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसे आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रख रही हूँ इसको। आधुनिक शिक्षा का शुभारंभ लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था, ठीक है ना, जो 1835 में रखा गया था। और शिक्षा के एक चीज इसमें कमी थी कि उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी पहले रखा था और इसका विरोध किया गया था, और बाद में इन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ में जो राजभाषाएं थी, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी है ना, संस्कृत फारसी भाषाओं को भी यहाँ पे प्राथमिकता दे दी गई थी। स्कूल और विश्वविद्यालय खोले गए थे, ठीक है ना। भारतीयों को मध्यम और निम्न स्तर के रोजगार भी यहाँ से दिए गए थे, ज्यादातर लिपिक नौकरी करते थे, भारतीय लिपिक की नौकरी करते थे, बाबू वाला काम करते थे, ओके। परिवहन और संचार के आधुनिक साधन टेलीग्राफी यानी कि टेलीफोन जो है उसको यहाँ पे स्थापना की गई। 1909 में भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई, तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में से एक है। और यहाँ पे आधुनिक उद्योगों की शुरुआत की गई, ठीक है, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसों में वृद्धि हुई और जाति व्यवस्था में भी बदलाव आया। औद्योगिकरण से शहरीकरण भी हुआ, यानी पूरे भारत में आधुनिक शहरों का उदय हुआ, ये दिन अंग्रेजों की थी। तो महात्मा गांधी, बीजी तिलक नेताओं के मार्गदर्शन में अंग्रेजों के शोषणकारी शासन, आधुनिक विचारों और शिक्षा के प्रभाव के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन भी उभरा था। अब ये जो विकास किए गए थे ना, अब ये अंग्रेज सिर्फ विकास इसलिए कर रहे थे, दो इनके पीछे रीजन थे। एक तो रीजन था अपनी सुख सुविधा के लिए, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि अब अधिकतर आके लोग यहाँ बस रहे थे, पूरे राष्ट्र पे शासन कर रहे थे देश पे। और दूसरी बात भारतीयों को खुश करने के लिए कि अगर हम ऐसा ऐसा काम करते जाएंगे तो होगा, तो हमारे लिए मेन मेरा मकसद है, अपने मकसद को पूरा करना है, लेकिन भारतीयों को भी थोड़ा सा खुश रखा जाए तो हो सकता है वो हमें एक्सेप्ट कर ले और हमें यहाँ से जाने के लिए ना बोले, ठीक है ना। तो उपनिवेशवाद क्या है, हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, ओके। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर व्यापार के लिए अधिकार कर लेता है, व्यापारिक अधिकार कर लेता है, तो वो राष्ट्र उस राज्य का उपनिवेशवाद बन जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे फिर वो आर्थिक के साथ साथ में राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चीजों पर भी अधिकार कर लेता है। भारतीय समाज का उपनिवेशवाद के दो प्रभावों को उल्लेख कीजिए, जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए वो प्रभाव ही है, ठीक है, ओके। चलिए आप देख लेते हैं, उपनिवेशवाद के दौरान विभिन्न दृष्टिकोण का उद्भव, भारत में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। देखिए मैं सोच, भारतवादी दृष्टिकोण क्या है, भारतवादी की दो बुनियादी धारणाओं का इंडोलॉजिस्ट का क्या करना है, धारणा का उल्लेख करना। सिर्फ देख लेते हैं कि भारतवादी दृष्टिकोण आखिर है क्या, ताकि अगर आए तो आप इसे लिख लो, ठीक है ना, ओके। देखिए भारत में भारतवादी दृष्टिकोण क्या है, तो देखिए जातियां, जो विभिन्न जातियां, समूह, संस्कृत होती थी, इन लोगों पर शासन करने की आवश्यकता यूरोपीय शासकों में शासितों के जीवन और संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए तत्कालिक रुचि पैदा करना, ठीक है, यानी भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना, नियंत्रण करना, आदेश देना और औपनिवेशिक परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हो गया था, ठीक है ना, राइट। और कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में कॉलेज की स्थापना की गई थी, और इसका जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि युवा प्रशासनिक अधिकारियों को संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं और संस्कृत का प्रशिक्षण दिया जा सके, ठीक है ना। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में इसीलिए की गई थी, ठीक है ना। विशिष्ट लक्ष्य यानी महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ में जितने भी युवा प्रशासनिक अधिकारी है इनको संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाए। और जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में,
तो उसके बाद के बाद ब्रिटिश प्रशासकों के बीच फारसी संस्कृत और स्थानीय ज्ञान का बढ़ता रुझान, यानी उन लोग धीरे धीरे भारतीय संस्कृत को समझने लगे, स्थानीय भाषा को अपनाने लगे, ठीक है ना। तो भारत के इतिहास, दर्शन और धर्म की गहराई का ज्ञान उन अनुवादकों के माध्यम से हुआ जो शुरुआती विद्वानों द्वारा किए जा रहे थे। तो अलेक्जेंडर डो, जिन्होंने सबसे पहले भारत के इतिहास का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है अलेक्जेंडर, और हिंदू धर्म को समझने का प्रयास किया, उन्हें भी संस्कृत में लिखे गए हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों का उल्लेख नहीं करने की सीमाओं का एहसास हुआ। तो अलेक्जेंडर डो ने जो भारत के इतिहास का फारसी में भी अनुवाद किया, हिंदू धर्म को समझने का प्रयास किया, लेकिन संस्कृत में लिखे गए हिंदू धर्म के जो मूल ग्रंथ थे वो उसका उल्लेख नहीं कर पाए थे और इसका उनको एहसास था। और दिलचस्प रूप से भारतीय समाज और संस्कृत के बारे में ज्ञान के मुख्य स्रोत के रूप में पाठ को महत्व देने की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई थी, और इस प्रकार भारतीय समाज के एक लिखित ब्राह्मणवादी संस्करण का निर्माण किया गया जिसमें जनता के वास्तविक स्तर पर जीने के तरीके की उपेक्षा की गई थी, ठीक है। अब ये इंडोलॉजिकल, 18वीं शताब्दी के उस बाद इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण ने, अब जो क्वेश्चन था भारत पे, ठीक है ना, अधिक व्यवस्थित वर्णन किया और कुछ अवधारणाओं, सिद्धांतों और आयाम को प्रदान किया, और विद्वानों ने दावा किया कि भारतीय सभ्यता के अध्ययन से लिया गया है, और इन विद्वानों का दृष्टिकोण और भारतीय समाज की समझ और उनकी संरचना काफी हद तक शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों के साहित्य और उनके अध्ययन पर आधारित थी। तो जो इंडोलॉजिकल भारतविद थे, इन्होंने क्या किया था कि जो भारत में वर्ण व्यवस्था थी, सिद्धांत थे, इनको एक नया आयाम दिया, एक नया मार्ग प्रशस्त किया इनके लिए, और विद्वानों ने ये भी दावा किया कि ये सभी भारतीय सभ्यता के अध्ययन से लिए गए हैं, और इन दोनों का दृष्टिकोण जो था, नजरिया जो था, वो भारतीय समाज की समझ था और उसकी संरचना था, और काफी हद तक जो इनकी समझ और संरचना थी विद्वानों की, भारतविद की, इंडोलॉजिकल की, वो जो पुराने टाइम में शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ और साहित्य थे उनके अध्ययन पर आधारित थी, ठीक है ना। तो स्कूल ऑफ इंडोलॉजी ने एक पारंपरिक संस्कृत और उच्च सभ्यता की उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया जो एकता के झलक को प्रदर्शित करता था, ठीक है राइट। सभ्यता के निचले लोकप्रिय स्तर को स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया, और भारत की एकता की बारे में इंडोलॉजिस्ट ने बात की, तो उसमें एकता हमें दिखती थी। अब देख लेते हैं कि एक सभ्यता के रूप में भारत के बारे में इंडोलॉजिस्ट द्वारा क्या धारणाएं बनाई गई थी। तो भारत का गौरवशाली अतीत था, उसे समझने के लिए प्राचीन काल में लिखी गई पवित्र पुस्तकों के संदर्भ से लिया जाना चाहिए। इन प्राचीन से भारतीय संस्कृत और समाज के वास्तविक विचारों का पता चलता है, ठीक है। तो भारत के विकास को समझने में सहायता मिलती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और कविता सिखाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। भारत विदो इंडोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया और बड़े पैमाने पर भौतिक संस्कृत के अध्ययन की अनदेखी कर दी, ठीक है ना। इसलिए वे हिंदू धर्म की अधिक रोमांचक परिभाषा पर पहुंचे जिसके कई अध्ययन पर देखने को मिलते हैं, और खास तौर पर इन लोगों ने इसमें ब्राह्मणों को केंद्र माना था, ठीक है ना, और भारतीय समाज में उनकी प्रमुख स्थिति को भी अलग अलग प्रमाणों के साथ में रखा था, ठीक है। और दूसरा, इसने भारतीय समाज के एक सीमित दृष्टिकोण को जन्म दिया जिसमें समय के साथ हुए ऐतिहासिक बदलाव की बात करना तो दूर था, कोई क्षेत्रीय विभिन्नता भी इसमें शामिल नहीं करता था। तो इस तरह से आप इंडोलॉजिस्ट को ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कम ही है, ओके। भारत का औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या था? जैसे भारत में धर्म प्रचार करने के रूप से औपनिवेशिक दृष्टिकोण में पहला भारत में धर्म प्रचारक हो जाएगा, जिन्होंने हिंदू धर्म की निंदा की थी और वो चाहते थे कि यहाँ पे ईसाई धर्म जो है वो आ जाए, ठीक है ना। तो ईसाई धर्म के प्रसार में थे, ठीक है। अंग्रेज और ईसाई, ये फ्रांसीसी मिले हुए थे, अंग्रेजों ने कहा था कि आप यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने हैं तो व्यापार करिए, राज मत करिए, और अपने ईसाई धर्म का मिशनरी का प्रसार करिए, और वो उसको करने को हम आपको देंगे। मिशनरियों ने वही किया था, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो धर्म का प्रसार करना यहाँ पे हो गया, ठीक है। प्राच्यविदो धर्म प्रचारक, ठीक है ना। प्राच्यविदों ने स्वीकार किया और सहमत व्यक्त की कि धार्मिक विचार और व्यवहार सभी सामाजिक संरचना को स्थापित करते हैं, और पवित्र ग्रंथ के ज्ञान पर अपने नियंत्रण के माध्यम से ब्राह्मणों की प्रधानता जो होती है उसके द्वारा चार वर्गों के ब्राह्मणवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, और चार वर्णों के सदस्यों के विवाह के माध्यम से जातियों के मूल अंतर को भी देखा गया था। तो प्राच्यविदों में प्राचीन भारतीय सभ्यता की अत्यधिक प्रशंसा की थी, और उन आदर से भारतीय समाज के पतन से बहुत दुखी थे, ठीक है। और ईसाई धर्म प्रचारकों का विचार था कि कोई भी भारत का गौरवशाली अतीत नहीं था। तो प्राच्यविद
माँ भारतीय सभ्यता से प्रसन्न थे और जो ईसाई अवधर्म प्रचारक थे वो भारत कहते थे कि भारत का कोई भी गौरवशाली अतीत नहीं है और ये हमेशा भावों से भरा रहा है। फिर एक प्रशासनिक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है, तो देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपका उपनिवेशवाद का है तो इसमें जो क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से ही पूछा जाएगा, भारत की धारणाओं से ही पूछा जाएगा, ठीक है, राइट। जैसे उपनिवेशवाद दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या था, उसने भारत शासन करने में अंग्रेजों की मदद कैसे की, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, राइट। ओके, तो सारांश आ गया है, ठीक है। अब जैसे जो क्वेश्चन ऊपर दिए हुए थे उनके आंसर क्या यहाँ पे देखने को मिलते थे, क्वेश्चन दिए हुए थे पहला, तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के माध्यम से क्षेत्रीय विस्तार का एक रूप है जहाँ एक औपनिवेशिक देश उपनिवेशी राष्ट्र पर राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण करता है, ठीक है, और औपनिवेशिक देश के लिए धन प्राप्त होता है। तो औपनिवेशिक देश वो है जो स्वतंत्र देश है जो आता है, और उपनिवेश देश है जिस देश पे वो आता है और वहां पे धार्मिक आर्थिक सामाजिक नियंत्रण करता है, ठीक है ना। तो उपनिवेश के लिए निर्धनता और गरीबी होती है, ठीक है। तो हमारा भारत देश उपनिवेश था और इंग्लैंड जो था वो औपनिवेश था। उपनिवेशवाद के प्रभाव क्या क्या हुए तो ये देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहला, अंग्रेजों द्वारा नए दंड संहिता के रूप में आधुनिक कानून लागू किया गया जिसे सिविल सर्विस आपराधिक और सिविल प्रक्रिया के ऊपर हम देख चुके, उसको फिर नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। ये 5-6 पॉइंट में हमने देखा था, प्लीज इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। औपनिवेशवाद के क्या प्रभाव थे, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन था इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण, तो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण ने एक व्यवस्थित व अध्ययन दिया और कुछ अवधारणाओं सिद्धांतों ढांचे को प्रदान किया जिनका विद्वानों ने दावा किया था, ठीक है, और वे शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों और साहित्य को अपने अध्ययन के आधार पर भारतीय सभ्यता को अध्ययन करने से निकले थे, ठीक है। तो वो संस्कृत सभ्यता को वो सॉरी जो यहाँ पे शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ है उसको वो मानते थे, ठीक है ना। भारत विदों की मूल धारणा क्या है तो ये है, वो मानते थे कि भारत के गौरवशाली अतीत था और उसे समझने के लिए प्राचीन काल में लिखी गई पवित्र पुस्तकों को वापस जाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और इन प्राचीन पुस्तकों से भारतीय संस्कृति और समाज के वास्तविक विचारों का पता चलता है और भारत के भविष्य के विकास को समझने के लिए इन पुस्तकों को समझना चाहिए। भारत विदों की मूल धारणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 उपनिवेशवाद से था, तो देखिए ये उपनिवेशवाद से यहाँ पे आया है तो आप इसे प्लीज देख लीजिएगा। मैंने इसीलिए इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखती हूँ, होल्ड करती हूँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का उदय तत्कालिक नेतृत्व ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है, ओके। तो ये यूनिट भी आपकी फिनिश्ड हो गई है, सेकंड यूनिट, और जो सेकंड यूनिट है वो क्या थी, भारत एक उपनिवेशवाद के रूप में, क्वेश्चन उपनिवेशवाद से ही पूछेगा, औपनिवेशिक काल में भारत में समाज की क्या दशा थी और उपनिवेशवाद के द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण का उदय कैसे हुआ, क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का, ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र राज्य और समाज, ठीक है, तो इसको भी लगे हाथ हम ले लेते हैं और इसके बाद फिर हमें हमारा ब्लॉक 1 जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्र राज्य और समाज हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, तो नीचे चलते हैं और इसे देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। भारत में राज्य सहित समाज, जैसे भारत एक राज्य रहित समाज नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करिए, भारत एक राज्य रहित समाज नहीं था, एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। भारत का समाज एक राज्य रहित समाज नहीं था, तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के विकास का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता से बहुत हम सबको पता है और विद्वानों ने इसमें तर्क भी दिया था कि सभ्यता में, ठीक है ना, शहर बनावट के संदर्भ में एक रूपता दिखाई देती है, जो शहर बनावट थी वो एक रूपता दिखती है और उन लोगों का निर्णय लेने के लिए बाध्य किया कि यहाँ एक केंद्रीय राजनीतिक अधिकार है जो ये सिद्ध करता है कि एक राज्य रहित समाज नहीं था। यानी यहाँ पर जब केंद्रीय राजनीतिक अधिकार दिखता है तो वहां पर भी समाज में राजता और चारों तरफ घेरना जो कि एक राज्य का बनावट है जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहरों में मिला जैसे कि गुजरात धोलवीरा में। बर्तनों पर सिपाही का चित्रण यह बताता है कि सिंधु सभ्यता की अपनी अपनी सेना थी, ठीक है ना, राइट। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, अपनी सेना थी और सिंधु घाटी के राज्य से सभ्यता के प्रवृत्ति पर बिना और विवाद किए हुए हम लोग भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बिखराव के बाद में राज्य सहित समाज को देखें
जैसे विद्वान लोग आज भी सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सभ्यता के लोप होने के कारण, विलुप्त होने के कारण पर विवाद कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिये भारत में राज रहित समाज पर विवाद वैदिक अवधि के समाज से शुरू होता है। ऋग्वेद प्रमुख स्रोत है जिसमें आर्यन समाज के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से राज रहित समाज, क्या सिंधु घाटी सभ्यता राज रहित समाज तक टिप्पणी करके समझाइए लिखिए, या फिर सिर्फ भारत के बारे में पूछ सकता है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। राज रहित का मतलब प्रशासन का होना, शासन का होना और राजनीति संरचना का होना, ठीक है ना, यानी उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति विशेष है, राजा है और उस वक्त प्रजा होती थी जो उनको मानती थी, ठीक है ना। तो वैदिक समाज प्रमुख रूप से चरवाही घुमंतु था और उसको कृषि का ज्ञान नहीं था। तो जो वैदिक समाज था चरवाही घुमंतु था और उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, और यह प्रमुख रूप से वंशावल पद्धति से निर्देशित होते थे, यानी एक के बाद एक लोग शासन करते थे, एक ही वंश के लोग। तो राज्य रही समाज का सामाजिक वर्गीकरण प्रकट करता है कि नातेदारी और वंशावली राज सहित रहित समाज में राजनीतिक संगठनों का केंद्रीय नेतृत्व करता था। यानी नातेदारी जो वंशावली राज्य था, ये वंशावली राज्य रही समाज में राजनीतिक संगठनों का केंद्रीय नेतृत्व करता थे, नातेदारी और वंशावली। और ये कहा गया था कि वंशावली व्यवस्था का चरित्र पहचान योग्य प्रतीत होता जितना हम वैदिक समाज को जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भारत की सभ्यता का, ठीक है। फिर ऋग्वेद में भी दिया है, ऋग्वेद समाज तक राज का बनावट इस समाज से उद्धृत होते हुए नहीं देखेंगे, यानी पूर्व ऋग्वेद और उत्तर ऋग्वेद काल के समय तक आप जात के आधार पर समाज का चार वर्ग में विभाजन हो गया था, ठीक है। और भारतीय स्थिति में वंशवाद जो था वो समाज जाति और समाज को एक आकार और बनावट देता था। तो यहाँ पे वंशवाद देखने को मिला था और वंशवाद में वंश और विवाह का नियम सब जाति के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है ना, राइट। और स्त्रीकरण यहाँ पे आना शुरू हो गया था और वर्ण आकार में एक प्रयास किया गया था, ठीक है, ताकि सामाजिक कार्यक्रम के प्रवीण सिद्धांत उन सबके साथ में लागू किए जाए, सबके साथ में लाया जाए। तो यहाँ पर इस अवस्था में व्यवसायी समूह पैदावार में नियोजित किए गए, शूद्र एक वर्ग के रूप में जोड़ा गया, लेकिन वंश उत्पत्ति के अवस्था से वंचित किया गया ताकि उसका बहिष्करण को अखंडित किया सके। तो शूद्र एक वर्ग नया जोड़ दिया गया जो सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए हुआ करता था और उसको वंश की उत्पत्ति से अलग कर दिया गया, उसे मतलब अशुभ और एक तरह से आपराधिक के तौर पर उसको माना गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं राज्य विहीन भारत, ठीक है, ओके। भारत में राज्य विहीन समाज से राज समाज में संक्रमण, इसमें जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सामाजिक संगठन के संक्रमण में कृषि का योगदान क्या था, इसने पौराणिक भारत में राज्य की संरचना पर बल दिया। देखिए जस्ट वही मैं बोली, क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर हम कृषि की बात करते हैं, देखिए तो कृषि का हमें यहाँ पे प्रश्न मिल जाता है, ठीक है, ये मिल जाता है, जो राज्य इन सभी आवश्यक तत्व के लिए आवश्यक हो, कृषि की अतिरिक्त उत्पादन कैसे किया जाए। तो कृषि के लिए लोहे से बने औजारों का उपयोग पुराने भारत में धान काटने के लिए किया जाता था, और ताकि राज रहित से राज सभ्यता में परिवर्तित किया जा सके। और यहाँ पे गंगा की घाटी एक जगह थी जहां पर भारत का पहला गणतंत्र विकसित हुआ था जिसको गण संघ कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा जल स्रोत होता था जो राज्य और शहरी जनसंख्या के लिए जरूरी था पानी के लिए, और इस तरह नगरी सभ्यता का उदय जो उद्गम हुआ जन्म हुआ वो मेसोपोटामिया या यूफ्रेटस के किनारे और ग्रीस नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का उदय और सिंधु पर उसकी उपनदी के किनारे बसा हुआ था। तो जनरली जो ये नई सभ्यताओं का नगरी सभ्यता का उदय हुआ नदियों के किनारे हुआ था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि हम कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं और संक्रमण काल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम और देख सकते हैं कि सभी जो बदलाव हुए थे वो सामाजिक संगठन और राज व्यवस्था से हुआ, इसके वजह से हुआ था। क्यों? क्योंकि कृषि पैदावार में वृद्धि ने शहर राज और जटिल वर्गीय समाज के लिए आधार प्रदान कर दिया था। राजधानी और स्थिर सेना के साथ 16 महाजनपद की स्थापना करना संभव नहीं होता यदि कृषि में अतिरिक्त पैदावार नहीं हुई होती। तो जब लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया तो खेती बहुत ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा पैदावार हो गई कि वो यूज उपभोग करने से भी ज्यादा हो गई, लोग उसका यूज भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस कृषि पैदावार वृद्धि ने राज शहर और भी वर्गों को जो है एक आधार प्रदान कर दिया था
और साथ ही साथ में यहाँ 16 महाजनपद की स्थापना की गई थी कृषि के लिए, ठीक है, फसल को रखने के लिए, ठीक है ना। और ये और भी कठिन होता है, जाति प्रथा ने मजदूर लेकिन मेहनत करने वालों को नहीं बांटा होता। तो अशोक के शासनकाल में मौर्य राज को संगठित करना इन पहलों पर बाध्यकारी पहलू था, और मौर्य शासन के काल में जनरली चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया किसके बारे में, कृषि के बारे में, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो महाजनपदों का उदय कृषि का योगदान था, ठीक है, ओके। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र, राज्य और समुदाय। तो आज हम भारत के राष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, और यहां पर निर्देशित ब्यौरे बार भारतीय जमीन जो भारतीय राज्य द्वारा शासित है, झंडा, राष्ट्रीय गण, संविधान, लिखित विधि मानक, सभी जनता के अधिकार यहां पर दिए गए हैं। और लेकिन आवश्यक नहीं है कि ऐतिहासिक संपत्ति, सांस्कृतिक पहचान व वंशवाद का जड़ पर आधारित हो, ठीक है, राइट। आज जो राष्ट्र वर्णित है वो राजनीतिक एकीकरण के हिसाब से किया गया, और भारत का एकीकरण औपनिवेशिक और इसके विरुद्ध संघर्ष की देन है, ठीक है ना। उपनिवेश से पहले यहाँ सामंतवादी और राजशाही जागीर थी, राजाओं का टाइम था, जो राजा लोग रहते थे और जिस जमीन पर वो राज करते थे भौगोलिक रूप से सीमित हुआ करती थी, ठीक है। जैसे भारत में पहला राज के शासक मौर्य का था, जो अपने जमीनी आधार को संगठित कर सकते थे, लेकिन वो राष्ट्र के रूप में उद्गित नहीं हुआ, राष्ट्र नहीं कह सकते थे, एक राज के रूप में उन्हें था, ठीक है। और इस संबंध में ब्रिटिश राजनीतिक जॉन स्ट्रजी का एक दिलचस्प कथन है कि भारत के संबंध में पहली और आध्यात्मिक आवश्यक चीजें से सीखना है कि यहाँ अभी नहीं है और कभी भी एक भारत नहीं था, ये उनका मानना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र, राज्य और समुदाय। तो पहले क्या आया, राष्ट्र, राज्य और समुदाय। तो पहले यहाँ पर राज्य था, यानी कि एक तरह से जागीर व्यवस्था थी, राजा की व्यवस्था थी, ठीक है ना, वो लोग यहाँ पे शासन वगैरह किया करते थे, ठीक है, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर एक तरह से औपनिवेशिक व्यवस्था हुई, यानी भारत के बाहर के लोग यहाँ पर आने लगे, और जब बाहरी लोगों ने यहाँ पे आक्रमण कर लिया, ठीक है ना, तो औपनिवेशीकरण के बाद भी भारत में जो है यहाँ पे एकता रही, और बहुत सारे यहाँ पे लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और जब ये राज्य वाला सिस्टम यहाँ पे सामंती व्यवस्था खत्म हो गई, जागीरी व्यवस्था खत्म हो गई, तो यहाँ पर राजनीतिक एकीकरण शुरू हो गया, और राजनीतिक एकीकरण जो है वो औपनिवेशिक के कारण शुरू हुआ था, यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, ये सब जब यहाँ पर आए थे और राज करने के हिसाब, व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने राष्ट्र राज करना शुरू कर दिया था, तो इसकी वजह से राज को एक राष्ट्र को पूरे देश को एक होना पड़ा था, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, फिर वैधानिक एकीकरण। तो भारत का राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण जो है वैधानिक एकीकरण से संलग्न एकीकरण था, यानी ब्रिटिश ने पूरे देश में एक तरह का कानून लागू किया था, उन्होंने कानून को अधिनियमित करने के लिए संहिता बना दी थी, कानून सब राज्य के सभी व्यक्ति पर लागू होता था, और एक पद के हिसाब से चलता था, और एक पद्धति थी जो राज्य की न्यायिक व्यवस्था के साथ में चलती थी। जनरली ये जो कानून बनाए गए थे ब्रिटिश द्वारा स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक एकता भी लाए, ब्रिटिश द्वारा स्थापित श्रेणीबद्ध लोक प्रशासन उनका एक उदाहरण था। तो प्रशासनिक एकता भी ब्रिटिश यहाँ पर लेके आए थे, और लोक प्रशासन की जो स्थापना की गई थी वो भी इसी के एक उदाहरण के अंतर्गत आता है। और भारतीय लोगों ने पहली बार आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक ठोस क्षेत्र पाया जो सार्वभौमिक और बराबरी के रूप में काम करने वाले शासन के अंतर्गत आता था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर एक नया जमीन की व्यवस्था विकसित की, और नए जमीन का संबंध नियमित किया, और पैसा का अर्थ विकसित करना था, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, अब जो जमीन का नियम लागू किया वो था हस्तांतरण करना, खरीदना, बेचना, किराए पर जमीन देना, ये सभी चीजें थे, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, ये जो आप कारण पढ़ रहे हैं, ये कारण आपका है भारत औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र, राज्य और समुदाय, ठीक है। इसके अंतर्गत आप ये सभी चीजें पढ़ रहे हैं, राष्ट्र, राज्य और समुदाय के अंतर्गत, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक भारत के लिए आवश्यक था, तो ये राजनीतिक एकीकरण हो गया, वैधानिक एकीकरण हो गया, आर्थिक एकीकरण हो गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर आर्थिक एकीकरण, ठीक है, इतने एकीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं। उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन और राष्ट्र का विचार, नहीं मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो चलिए, यूनिट भी आपकी फिनिश हो गई, इस तरह से वन ब्लॉक आपका फिनिश हो गया, जिसमें हमने 3 यूनिट लिए हैं, ठीक है, राष्ट्र, राज्य और समाज। दूसरा यूनिट भारत एक उपनिवेशवाद के रूप में, और जो हमारी तीसरी यूनिट थी
वो थी हमारी सभ्यता और संस्कृत, ठीक है। ओके, एक एक क्वेश्चन 100% बनता है सभ्यता और संस्कृत से बनता है, और यहाँ पे उपनिवेशवाद से एक क्वेश्चन बनता है, इससे बन सकता है, लेकिन मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। हाँ, औपनिवेशिक भारत में, ये भारत में राज रहित समाज में संक्रमण से आप क्या, भारत में राज रहित समाज से आप क्या समझते हैं। अदरवाइज ये दो क्वेश्चन, दो यूनिट आपके डन है, क्वेश्चन एक एक पूछे जाने के। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट ब्लॉक होगा वो सेकंड होगा, उसमें भी हम एक सभी यूनिट एक साथ में लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय।